एंड दिस इज द एक्साइटमेंट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे मैं उत्तेजना बोल रहा था उसे, लेकिन नहीं, क्या एक्साइटमेंट. हाँ, सो वेलकम 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 एंड दैट वाज फैंटाब्युलस. डिड वी ऑल लाइक द टीजर? मैं लव पूछने वाला हूँ, पहले लाइक बता दो. डिड वी ऑल लाइक इट? वी गॉट मोर इन स्टोर फॉर यू. सबसे पहले द फर्स्ट सवाल फॉर यू इज, इतने दिनों से क्यूरियोसिटी लोगों के बढ़ा रहे हो आप और ऐसे खड़े हो ऐसा एक होर्डिंग पे. तो थके थे नहीं? थोड़ा तो थके होगे आप खड़े खड़े. बहुत थक गई हूँ यार, अभी मुझे पलटना है. इनको पलटना है और पलटेंगी आप इसके लिए. यू नो एवरीबॉडी इज सो एक्साइटेड ओवर हियर. प्लीज प्लीज टेल अस योर एंट्री विद दिस धमाकेदार फिल्म, यू नो, एंड प्रेजेंटेड बाय द वन एंड ओनली पहलाज नीलानी साहब. यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन. इट्स माय फर्स्ट इवेंट हियर इन बॉम्बे. आई एम सुपर सुपर नर्वस एंड एक्साइटेड. अभी तो आपने जूली को देख ही लिया है, सो फॉर मोर एक्साइटमेंट टू बिगिन, अभी आपको कुछ दिखाने वाले ट्रेलर, आप वो देख लीजिए. और वो कुछ नहीं, वो बहुत कुछ है, है ना? और इनकी 50th फिल्म है, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां हो जाए प्लीज फॉर राय लक्ष्मी. प्लीज हैव अ सीट एंड ऑल योर आईज ऑन द बिग स्क्रीन एज वी प्रेजेंट दीपक शिवदासानी, जिन्होंने हम सबका दिल जीता यहाँ पे अपनी कमाल की परफॉर्मेंस से, जिनको इतना सारे एक्साइटमेंट के साथ आपने स्वागत किया है. गिव इट अप फॉर द गॉर्जियस राय लक्ष्मी, लेडीज एंड जेंटलमैन. इतनी अच्छी फिल्म के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो सवाल है मेरा आपसे है आदित्य जी, मुझे प्लीज बताइए, यहाँ आपका मन नहीं किया कि मतलब मैं पुलिस नहीं बनूं, ऐसा कॉप नहीं बनूं, थोड़ा तो मतलब लव शव करने को मिले, क्या है? एक तो हेलो एवरीबॉडी, एक तो 4-5 साल के बाद फिल्म करने को मिल रही है. सॉरी, तो अभी जो मिल रहा है उसको करने दीजिए. और आई वुड लाइक टू थैंक दीपक जी, इस खूबसूरत फिल्म में मुझे काम करने का मौका दिया. जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट. दीपक जी, दिस इज फॉर यू. यू नो मैं पूछना चाह रहा था, मैं यहाँ पे एक टैगलाइन है, बोल्ड ब्यूटीफुल ब्लेस्ड. बोल्ड ब्यूटीफुल हमने बहुत देखा है, व्हाट्स विद दिस अनदर टेक? आई वुड से सी द फैक्ट रिमेंस. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. मेरी पहली फिल्म थी जूली जो मैंने बनाई थी, उसका टैगलाइन था अ बोल्ड प्रोफेशन अ ब्यूटीफुल माइंड. हैविंग सेड दिस, उसके बाद बहुत सारी फिल्में आई जहाँ पे जो है आप स्किन शो, आप हर लड़की खूबसूरत बनने की कोशिश में ब्यूटीफुल रहती है. इस फिल्म में एक चीज़ जो अलग है वो मैं कहूँगा कि मैं ब्लेस्ड हूँ. I have a bold man like Mr. Pahlaj Nilani who is presenting this film. Right. I have a beautiful script where Rai Lakshmi is playing this character. Yeah. And I am blessed that I have a team who has stood with me. Yeah. And my brother in Christ, Mr. Vijay Nair, who sowed the first seed. Yeah. To make this film possible. Yeah. And of course, I cannot take away Geeta Trading Company. They have stood with me and brought me here on this platform. So mujhe khushi hai, I'm blessed with so many things together. So it's bold, it's beautiful, it's blessed. Superb, superb. Zordar taliyan Shivdasani sahab ke liye. Nair sahab, this one's for you. Please tell us, what made you believe in this subject? Aur kya laga ki yehi film ko humko back karna chahiye? I think it's the powerful content of this film. Yeah. And because I'm a businessman, I saw that this movie is definitely strong in two ways. Yeah. One is it's powerful as a message, and I'm sure and positive it's going to be a super hit. Superb. Thank you so much, sir. Nair Saab, this one's for you, Rai Lakshmi. Aap mujhe bataye jo reception abhi mila hai, wonderful people in the crowd and media se itne sare log yahan pe, itna sara unhone, you know, pyar dikhaya. What do you have to say to them? It's really overwhelming. It's beyond my expectation, I should say. And thank you guys. I first like to thank you all for this. I've got immense support from the media, from the entire team and the PR department, everyone put together. And just the teaser has made so sensationally into the market that I'm very overwhelmed for that. Yes, Julie 2 has been very close to my heart, very special film for me, for many reasons. And I think, will do? Please, please. Okay, so this film, what you see, it's beyond this. So the reason why I took up this film, because it was very special to me, I could relate a lot to the script. There's a lot of substance, there's a lot of elements in the film, with the right dosage of emotions. So I think every
it's actually a entertainer with the right dosage of everything. So I don't know how to put this across, but yeah, it has a lot more to speak about, which you will know when you watch the film. It is a thriller. It is a suspense thriller. People look at it as an erotic movie, entertainer, but it's beyond that. So I would like to convey this to you all. So I think Julie is something you can't, Julie 1 was different, Julie 2 is absolutely different, and this is a complete entertainer, and you guys will like it. Super. And every girl would relate to this script. Superb, yeah. Thank you so much for that. Deepak sir, bahut mehnat gayi hai. Deepak Shivdasani is Julie 2 ke peeche. And congratulations to the entire team. Thank you. Coming to the one and only Pehlaj Nehlani sahab, yahan badi sari muskurahate hain, bade sare log khush hain yahan pe. Please, mujhe bataye sir, isse pehle you've been producing films, and if I'm not wrong, 24 films you've produced. This is your 153rd film as a distributor. So what made you believe in this subject, and matlab, now back to your favorite thing, to kaisa lag raha hai? गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज मुझे अच्छा लग रहा है कि एक बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद मैं बैक टू माय डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, तो मुझे लगता है आज सबको उत्साह है कि मैं ये फिल्म के साथ क्यों आया. जी, जूली 2 जो लोगों के माइंड में बहुत कुछ दे रही है और बहुत कुछ समझने मीडिया, सोशल मीडिया और जनरल पब्लिक की, मैं एक संस्कारी होने के बाद जो मुझे टैग दिया गया, ऐसा क्या है फिल्म में जो ये पिक्चर मैंने ली और किस तरह से मैं बैक कर रहा हूं, वो मुझे लगता है कि जब ये फिल्म आप लोगों ने देखी नहीं है, आप इरोटिक फिल्म के हिसाब से इसे जानते हो, लगता है जूली एक गाली है, जूली नहीं है. क्योंकि ये कहूंगा कि हर फिल्म का अपना फ्रेमवर्क होता है, अपनी एक आइडिया होती है, अपनी एक कहानी होती है. ये कहानी की ड्राइव है, और मुझे लगता है कि हर आदमी जो फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रीम वर्ल्ड में, फिल्म इंडस्ट्री इज अ ड्रीम, और ड्रीम जब कोई देखता है उसे पूरा जब नहीं होता तो कैसा लगता है. इस फिल्म की कहानी वही है कि पूरे कंट्री से, यहाँ तक कि बॉलीवुड आज फिल्म इंडस्ट्री इतनी पॉपुलर है, जो विदेशों से भी यहाँ पे एक्टिंग कोर्स करने के लिए और काम का मांगने के लिए, अपना ड्रीम पूरा करने के लिए यहाँ पे आते हैं, और उनकी ख्वाहिश क्या होती है, और किसी के ब्लड में ही मतलब होता है कि उसे एक्टिंग करना है. उस कहानी की ये जूली 2 जो है दीपक सिद्धासनी ने बनाई है, पहले मैंने कहानी सुनी थी जब ये इनिशियल स्टेज पे थी, मुझे बहुत इसकी आइडिया बहुत नावल लगी थी, अपने इनसाइड फिल्म इंडस्ट्री की कहानी लगी, जिस तरह से इन फिल्म इंडस्ट्री में, ये कह रहा हूँ कि ट्रू बेस कहानी है ये, अपने इंडस्ट्री जो वर्किंग फंक्शन है, और जिस तरह से टैलेंट, जो बहुत हर इंसान में टैलेंट होता है लेकिन उसको निकालने वाला चाहिए, जिस तरह से आज दीपक ने इस फिल्म में काम किया है, और राय लक्ष्मी जो जूली आज है, और जूली के नाम से शायद ये पहली, वैसे इसने 49 फिल्में की है लेकिन इसकी पहली फिल्म जूली के नाम से पहचानी जाएगी, ये मुझे फिक्र है कि मैं जिस फिल्म से जुड़ा हुआ हूँ इसमें भी इसका जूली नाम से ये जानी जाएगी. एंड शी हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब एज अ स्क्रिप्ट, एज अ टैलेंट, न्यू टैलेंट को इनसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस दीपक सिद्धासनी ने किस ड्राइव से इस फिल्म को लिया है. मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे इंडस्ट्री की उसको पूरी तरह से दीपक सिद्धासनी ने जो है एक्सपोज किया है. दिस इज अ मैसेज फॉर दैट टैलेंट जो अपनी उम्मीद लेके इंडिया में आते हैं या अपनी कंट्री से आते हैं. आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि इंडस्ट्री को किस तरह से ड्राइव करके आई ओपनर फिल्म बनाई है, और किस तरह से अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं. हमारे कुछ लोग जो है इंडस्ट्री को किस तरह से बदनाम करके एक स्ट्रगल और एक थ्रिलर मोमेंट में लेके जाते हैं, और आपने जैसे देखा होगा कि टीवी इंडस्ट्री से किस तरह से जो लोग रोमांस में फंस जाते हैं, और किस तरह से सुसाइड्स करते हैं, और किस तरह से ड्राइव करते हैं. आई थिंक उन सब के लिए ये पिक्चर के लिए मैसेज है. आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम एसोसिएटेड विद दिस पिक्चर. थैंक यू सो मच. जोरदार तालियां निहलानी साहब के लिए. सर, लोग पूछ रहे थे मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले कि आज पहलाज साहब कैंची तो लेके नहीं घूम रहे ना. देखिए, हर इंसान को अपना रोल पूरा करना पड़ता है. जिस तरह से राय लक्ष्मी को अपना किरदार निभाने के लिए इतनी पिक्चर करने के बाद भी एक फिल्म एक्ट्रेस की
एक चाहत और रोल अदा किया है उस तरह से बहुत खुशी है कि अपना इसने 100% देने की कोशिश की है. जो मुझे गवर्नमेंट ने रोल दिया था मैंने अच्छी तरह ईमानदारी से सिंसियरली ऑनेस्टली निभाया. जब मेरा जो है एक फिल्म जो है बचपन से जो है मेरा बिजनेस है जो है सिर्फ मूवी मूवी एंड मूवी. वापस बैक टू मैं अपनी इंडस्ट्री में वापस हूँ और अपने फिल्म से ईमानदारी से करूंगा. आई विल सी दैट आई विल अगेन गिव यू 100% टू दिस इंडस्ट्री. जोरदार तालियां पहला नीलानी साहब के लिए. वो जोश यू नो लास्ट में वो जो ऐसे था उसमें बहुत बात थी. अगर आप CBFC के अध्यक्ष होते तो ट्रेलर और टीजर पर कितने कट लगाते? देखिए अब मैं इस रोल में नहीं हूँ, जिसका काम है उसको करने दीजिए और वो डिसाइड करे इसमें कितने कट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए. एंड आई ऑलवेज एक्सपेक्ट कि भैया इस फिल्म को इज अ वेरी क्लीन एडल्ट मूवी. अगर मैं होता यहाँ पे इसमें एक भी कट नहीं देता क्योंकि क्लियर ए सर्टिफिकेट लेता, क्योंकि ना इसमें ऑब्सिनिटी है ना वल्गरिटी है ना इसमें कोई ऐसे कस वर्ड है या कुछ है. इज अ कम्प्लीटली एडल्ट फैमिली फिल्म. सर सर आप कह रहे हैं इसमें कोई बोल्ड सीन नहीं है? एडल्ट सीन नहीं है. मैंने ऐसी सर सर हम ये मानकर चले कि जब तक आप CBFC अध्यक्ष थे तब तक आप संस्कारी थे और जैसे ही उस पद से हटे वैसे ही असंस्कारी हो गए. ये मेरा बिजनेस है और मैं एडल्ट फिल्म ले रहा हूँ, कोई UA या U सर्टिफिकेट के लिए नहीं ले रहा, क्योंकि इसमें एडल्ट ही चाहिए और एडल्ट वो भी क्लीन है. क्योंकि इसमें जो हम लोग गाइडलाइन के हिसाब से जाते थे उस हिसाब से इसमें कुछ भी नहीं है एज ए फिल्म मेकर. और इस फिल्म का तो मैं जो भी हूँ डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, जो भी इसमें ड्राइवर है मिस्टर दीपक सिवदासानी आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या है. आपसे आखिरी सवाल, आप मानते हैं आप अब असंस्कारी हो गए हैं? अब आप जो है देखिए मैं संस्कारी था, इस मिट्टी में संस्कार है और इंडिया ऐसी जगह है जहाँ पे संस्कार के बगैर कुछ भी नहीं है. जहाँ पे मैं था मैं हूँ और मैं रहूंगा. सर ये आपको कितना फेयर लगता है व्हेन यू वर अ CBFC चीफ, यू केम आउट विद अ कंजर्वेटिव इमेज एंड नाउ यू आर कमिंग आउट विद अ डिस्ट्रीब्यूशन टू अ फिल्म हुज टैगलाइन कम्स आउट टू बी बोल्ड ब्यूटीफुल एंड ब्लेस्ड. आपने फिल्म नहीं देखी है, जब देखेंगे तब आप ये मुझसे सवाल कीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब देखिए. आपने सुनिए सुनिए, जितनी मैंने पहली फिल्में भी पास की थी या जो मैं कभी फिल्म देखता नहीं था, जो कॉमेडी डिसाइड करती थी वो होता था. लेकिन आज अगर आपने कोई फिल्म देखी नहीं थी और आप लोग चाहते थे कि हर फिल्म पास हो जाए बिना किसी कट के और हमेशा AO या UAO पिक्चर पास होनी चाहिए, लेकिन एज अ फिल्म मेकर मैं CBFC की बात करने का मुझे कोई राइट नहीं है. जो काम जिसको मिले वो ईमानदारी से करे. आप लोग जो काम कर रहे हो वो ईमानदारी से कर रहे हो. तो पहले भी आपका यही सवाल था कि आपने पिक्चर पास क्यों की, पास क्यों नहीं करनी चाहिए बिना कट के. आपको सिर्फ सर्टिफिकेट बॉडी है, सर्टिफिकेट देना चाहिए. और आज मुझसे आप सवाल पूछ रहे हो कि ये पिक्चर पास कैसे होगी. मैं पास नहीं करूंगा या जो सीन होगी जो कट करे, जो हमारा डिसीजन जो है CBFC करेगी, हमारे सर आंखों पे है. वी विल नॉट यूज एज अ प्लेटफॉर्म ऑफ पब्लिसिटी और मार्केटिंग एज अ टूल ऑफ CBFC. सर इस मूवी को सर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कट्स ना हो इस मूवी को. इन द सेम वे व्हेन यू वर अ CBFC चीफ देयर वर सो मेनी पीपल हु हैड कम आउट विद द सेम विशेस. यू से देखिए आप लेट मी जस्ट कंप्लीटेड. यू से दैट इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू और इट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मीडिया. वी आर आस्किंग यू डू यू फाइंड इट फेयर व्हेन यू वर अ CBFC चीफ देयर वर सो मेनी सच मूवीज. वी हैव नॉट वी माइट हैव नॉट सीन द मूवी बट देन पोस्टर सेज इट ऑल एंड यू वर अ काइंड ऑफ पर्सन विद अ कंजर्वेटिव इमेज हु आल्सो टुक ऑब्जेक्शन ऑन सच काइंड ऑफ इमेजेस. सॉरी आपका ये जो है ना क्वेश्चन जो है, जिस तरह से मेरे होते हुए सारी पिक्चरें पास हुई है, कोई भी ऐसी पिक्चर पेंडिंग नहीं थी. जब लास्ट डे तक जितनी भी पिक्चरें थी वो मैंने पास करके, मतलब जितनी भी थी कोई भी एक पेंडिंग नहीं है जिसका कोई मतलब जो बोले कि नहीं हुआ. हर पिक्चर पास हुई, ऐसे कोई नहीं है कि सारी पिक्चर ने रिलीज हुई. और मैं अभी यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर के नाते बैठा हूँ. अगर इसका जो जवाब देना है कि किस तरह से हमने आपको जो है ना बताया कि किस तरह की फिल्म है और किसको बैक कर रही है. अभी आज हम जूली के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे. आप जूली देखिए, जब पिक्चर लगेगी आपको लगे कि इस फिल्म में कुछ भी एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ
कुछ भी फैमिली अगर एडल्ट फैमिली वॉच करने में उनको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बोलिएगा कि मैं संस्कारी हो गया. थैंक यू. आपसे ये सवाल है, रुको एक मिनट रुको, प्रहलाद जी आपसे सवाल है कि अगर इस फिल्म को 50 से 60 कट मिलते हैं तो क्या आप एफकेट के पास जाएंगे? सेकेंडली, और इंडस्ट्री आपका कितना साथ देगी? जैसा कि बाबू मोशाय इन फिल्मों पे आपने दाग लगाया था, उनका इंडस्ट्री ने साथ दिया था, क्या आपको लगता है कि आपकी जो पिछली इमेज रही उसकी वजह से इंडस्ट्री आपका साथ देगी? देखिए, मैंने लोगों ने जिसकी फिल्म की मार्केटिंग नहीं होती थी, जिनका नहीं होता था, प्लेटफॉर्म यूज करते थे, और मैंने आज तक ऐसी फिल्में बनाई नहीं है या मैं ऐसी खरीदी नहीं है जिसके अंदर कोई सेंसर में प्रॉब्लम हो. और आज भी मैं आपको कहता हूं, अगर जो है ये मेरी अपनी जंग है, अपनी जंग में मैं खुद आगे बढ़ूंगा. सोल्जर हूं मैं, और सोल्जर ताकि जो गोली जो लगनी है मुझे लगे, और ऐसा मैं काम ही ना करूं जो गोली का मुकाबला मैं ना कर सकूं. प्रहलाद जी आप अभी आपने अपनी जो चेयरमैनशिप है छोड़ी है और तुरंत आप ऐसी फिल्म के साथ अपना. एक्सक्यूज मी, आई वुड लाइक टू से समथिंग बिफोर यू पुट योर क्वेश्चन. वन मिनट. मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए. मेरा सवाल ये है कि आपने ये इतने सारे सवालों की झड़ियां आप पर इसलिए लग रही हैं क्योंकि आपने जब भी किसी फिल्म का, बोल्ड फिल्म का, ए सर्टिफिकेट और यूएस सर्टिफिकेट फिल्मों का जब भी ट्रेलर आउट हुआ है, पोस्टर आउट हुआ है, सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाले आप थे. आपका कमबैक जब होता है, आपने कहा ये कमबैक है, आप अपनी फिल्मी दुनिया में वापस आ गए हैं, 100-150 ज़्यादा फिल्में आपने एसोसिएटेड हैं, ऐसे में आप इस फिल्म के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, फिल्म के साथ जुड़ते हैं, फिल्म का पोस्टर बहुत बोल्ड नजर आता है, फिल्म का ट्रेलर बहुत बोल्ड नजर आता है, और यही चीज जब दूसरे प्रोड्यूसर्स, दूसरे डायरेक्टर्स कहते थे कि फिल्म की कहानी कुछ और है, ट्रेलर और पोस्टर्स पर आप मत जाइए, लेकिन आप नहीं मानते थे, सर क्यों? देखिए, हर फिल्म की, मैंने कहा, कहानी अलग होती है, उसकी मार्केटिंग अलग होती है. मैंने जब कहा कि आपने ना वो पहले फिल्में देखी थी जिसमें आप लोगों ने सवाल उठाया था, जब मेरा रोल कुछ और था, मैं सीट के उस साइड पे था, अब इस साइड पे हूँ. जब उनको सीपीएफसी से प्रॉब्लम आया, कोई चीज़ बदली नहीं है, वही चीज़ें अभी भी है. अगर मेरी फिल्म सेंसर बोर्ड में जाएगी, सीपीएफसी में जाएगी, पास तो उनको करनी है ना, मुझे नहीं करनी है. जो होगा, आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू यूज एज अ मार्केटिंग टूल बाय दिस पिक्चर. और मुझे ना इंडस्ट्री से साथ चाहिए, ना मुझे उनकी कोई ज़रूरत है कि मैं मतलब अपनी पिक्चर सीपीएफसी से लड़ूं, क्योंकि जो सीपीएफसी डिसीजन देगी वो मुझे मंजूर है. जी, शिवांगी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप पहले जो है एक संस्कारी का टैग लेकर ले लिया हुआ था आपने, आपको सब संस्कारी बोलते थे, और अब आप कितने बोल्ड विषय पर आप जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्या अब आप जो वर्ड होता है वो आप फिर से बोल पाएंगे? जो आपने आपने अर्णब गोस्वामी के सामने वो वर्ड बोलने से मना कर दिया था ये कह के कि मैं संस्कारी हूं और मैं एक ग्रैंडफादर हूं और मैं यूज नहीं कर सकता मेरी पिक्चर में, इंटरकोर्स वर्ड यूज कर पाएंगे सर? आप कीजिए ना सर. मैंने तो यूज किया इंटरकोर्स. आई एम ओपन बिकॉज आई एम आई हैव थॉट्स एंड आई नो दैट इंटरकोर्स इज अ थिंग व्हिच पीपल डू, राइट? बट क्या आप ये बात बोल पाएंगे? क्योंकि आपका विषय तो बहुत बोल्ड है, आप जो पोस्टर्स हैं वो बहुत बोल्ड हैं, जो टीजर है, जो ट्रेलर है, एक संस्कारी सर क्या है ना, मीडिया डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है. एक तरफ आप यू आर अ पेन इन नेक फॉर ऑल द डायरेक्टर्स, फॉर ऑल द प्रोड्यूसर्स, एंड नाउ हियर यू आर प्रमोटिंग सच अ बोल्ड मूवी. प्लीज सर आंसर, कैन यू यूज द वर्ड, कैन यू यूज दिस वर्ड नाउ? इंटरकोर्स. देखिए, आपको अगर डाइजेस्ट नहीं होता तो मैं डाइजेशन की गोली देता हूँ आपको. डाइजेशन की गोली दे रहे हैं मीडिया को. हाँ. जब स्मृति ईरानी ने आपका पद छीना था, ये आरोप आपने लगाया था, उस वक्त आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ था. आज हमारे सवाल आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं? मुझे बिल्कुल हो रहे हैं, और मुझे हंसी आ रही है. पहले भी हंसी आती थी, आज भी हंसी आ रही है कि आप लोग जो है, जो वर्ड मेरी पिक्चर में है ही नहीं उसको मैं क्यों बोलूं, और जो पिक्चर यूए में थी और यूए में वो
एज अ सीबीएफसी चेयरमैन वो अलाउड नहीं थे एज अ रूल बुक, और अगर मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ कि ये मेरी एडल्ट थीम है, आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि एडल्ट फिल्म में आप बोलते थे सब पिक्चर पास कर दो और आज एडल्ट में आपको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो किसका कसूर है इसमें? पहला जी शिवांगी, वंस अगेन फ्रॉम आज तक मुझे ये बताइए, क्या हम मानकर चले कि आपने सीबीएफसी में रहते हुए जो भी विवाद खड़े किए थे, जो भी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, अब उसका इस्तेमाल करके इस फिल्म की पब्लिसिटी बढ़ा रहे हैं? देखिए, मैं अपनी पिक्चर लॉन्च कर रहा हूँ, मैं पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर रहे हो, धन्यवाद आप सबका। और जो है, मैं सीबीएफसी जो रहा नहीं हूँ, मैं सीबीएफसी चेयरमैन रहा नहीं हूँ, आप मुझे अपने पुराने रोल में लेके जा रहे हो, ये पिक्चर मैं पास नहीं करूँगा। सीबीएफसी के जो अधिकारी है वो पिक्चर को पास करेंगे, और सीबीएफसी के चेयरमैन को कोई राइट नहीं है, जब तक पहली फिल्म जो है देखता है वो सीबीएफसी का चेयरमैन नहीं देखता, अगर पिक्चर पास नहीं होती है तो वो चेयरमैन के पास जाती है, उसका डिसीजन होता है कि फिल्म को रिवाइजिंग में भेजे या न भेजे। और मैं आपका फिर अब ये कह रहा हूँ, ये सीबीएफसी की ऑफिस नहीं है, या मैं चेयरमैन नहीं हूँ, अब आप अपना क्यों अपना टाइम जा रहा है? जूली है यहाँ हमारे साथ में, ब्यूटीफुल गर्ल जिसने बोल्ड रोल किया है, और हम सब ब्लेस्ड है आपके आशीर्वाद से, क्योंकि आप इतने सवाल पूछ रहे हो। मैं उन सोशल मीडिया और पब्लिक का धन्यवाद करूंगा जिसने हमको ये ब्लेस दिया है, और आप ये आगे पिक्चर बढ़ाएंगे, और आप ये पिक्चर देखने के बाद मैं आप लोगों के साथ एक वार्तालाप करूंगा, और उसके बाद आप बोलिएगा कि मैं कहाँ रॉन्ग था, पिक्चर खरीदने में या फिल्म एक्सप्लॉयट करने में। अगर इसके बाद भी क्वेश्चन होगा तो आई थिंक मेरी मजबूरी होगी, आप लोगों का अंत का सवाल होगा। आप एंजॉय कीजिए, ये इवेंट को एंजॉय कीजिए, अब आपको सब सवालों का जवाब मिल गया, और इसे हमें खुशी खुशी अपनी ब्लेसिंग दीजिए, जूली को दीजिए जिसने 49 फिल्म के बाद 58 फिल्म जो है यहाँ पे की है, और एक आई ओपनर जो है फिल्म इंडस्ट्री के लिए किया है कि आने वाला कल नए टैलेंट के साथ खुशियों से वेलकम करे उन न्यू टैलेंट को, कोई एक्सप्लॉयटेशन की कोई बात ना करे। दिस इज अ मैसेज यू कैरी, एंड यू अलाउ मी टू कैरी दिस काइंड ऑफ प्रोडक्शन विच आई कैन प्रोड्यूस एंड मेक द फिल्म लाइक द पब्लिक एंड फॉर द मैसेज। थैंक यू। अमेजिंग अरुण जी, वेलकम टू यू, वेलकम टू यू। शिद्दत साहब, यू वांटेड टू ऐड समथिंग, वेलकम टू यू मैम। मैं आ रहा हूं, नाराज नहीं हुई, सब अच्छा है। Welcome to you. Ji, you wanted to add something? No, sure. You good? Julie, okay, over to you. Ji, okay, Deepak sir, Rishi Kona from NewsX. Over here, on your right hand side. Yeah. Over here, on your right hand side. Okay. The question goes to you like this. The way when you were trying to come out with an initial stage story that you were trying to explain, Mr. Pehlaj Nalani, didn't you thought or give it a second thought that to whom you are explaining it to or trying to portray it in front of the person who has come out, or any kind of fear or any second thought that you thought about it? See, my relationship with Mr. Pehlaj Nalani is not from the time that he's been on the censor chair. He has seen me in my half pants when he made his first film, Hathkadi. We are family. That's the most important thing. And Pehlajji is somebody whom I go up to with my scripts, whatever films that I have made. I've had the opportunity to hear his scripts. So we share a very relationship where we can speak about movies, we can understand about cinema. And Pehlajji was aware about this particular subject at that point of time when I was writing. Having said this, jab ye film khatam hui and everything was in the post-production stage, I had a very great opportunity to show this film to Pehlajji and Pehlajji's wife. And it was very important because I come from a background where I am told that when you show a film or you make a film, you should see that your daughter is on your left and your sister is on your right. I'm not here to sell skin. Please get that thing cleared from everybody's mind. I don't intend that I have to sell skin. That is not my story. That is not my film. Even today, I was surprised, actually a week back I read an interview of Neha Dhupia. She said if Julie would have been made today, it would have won a lot of awards. I really felt overwhelmed when I read that line from her. I personally called her up to thank her. Having said this, aapki baat bilkul jaiz hai. Right now you are speaking what you're seeing from the cover of the book. You have not read the book.
प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने अपनी जिंदगी के 4 साल दिए हैं स्क्रिप्ट को लिखने में. आई हैव स्पेंट क्लोज डोर्स ऑल बाय माई सेल्फ. आई नो वॉट आई हैव गॉन थ्रू इन मेकिंग ऑफ दिस फिल्म. सो इट्स बीन अ चैलेंजिंग राइड एंड आई एम श्योर यू पीपल विल कम बैक टू मी ऑन द 7th of October एंड टेल मी वी आर प्राउड ऑफ यू. एंड आई एम नॉट बोस्टिंग बिकॉज आई हैव ब्लेसिंग्स ऑफ पीपल विथ मी एंड दैट ब्लेसिंग्स आर मोर देन एनीथिंग आई कैन आस्क फॉर. एनी क्वेश्चन आई विल फेस इट. थैंक यू. राय लक्ष्मी जी आपके ठीक सामने. हाँ जी. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको जूली 2 के लिए. थैंक यू. एंड क्योंकि आपने स्टेज पे आने के बाद आपने बताया कि अब मैं जो है पोस्टर से अब मैं टर्न लेना चाहती हूँ क्योंकि आपने ढेरों सारी मलयालम तेलुगु फिल्में की है, तो आप मानती हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से ये फिल्म आपके करियर को टर्न लेने वाली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में? ज़रूर, फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस. क्योंकि मैं मुझे लगता है कि इस फिल्म में मोर देन बोल्डनेस देयर इज अ लॉट ऑफ स्टोरी टू स्पीक. जब आप ये फिल्म रिलीज होगी आपको पता चलेगा. अभी जो आप ट्रेलर में देख रहे हो, जो टीजर में देख रहे हो, इट्स ऑल फ्रॉम अ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज एन एंटरटेनमेंट, बट इसकी कहानी कुछ और है. और एंड इट्स अ थ्रिलर. सो आपको ज़रूर इन अ स्टोरी आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा. एंड एज अ 50th फिल्म आई थिंक इट बिकम्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग दैट कैन एक्चुअली अपलिफ्ट माई करियर, यू नो. तो मुझे वैसे स्क्रिप्ट में मैं मतलब आई वॉज लुकिंग फॉर इट इन साउथ बट इट्स सो हैपन आई गॉट इट इन बॉलीवुड. सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड इन दैट वेज. सो मुझे ये कहानी, मैंने बोला था आपको कि ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए बिकॉज ये जो कहानी है द जर्नी ऑफ अ गर्ल. द फ्यू सिचुएशंस वेयर जब मैं ये नरेशन पे बैठी थी आई कुड रिलेट सो मच. और मैं सोच रही थी कि ये क्यों इतना ओपनली बाहर नहीं आता है. वाई पीपल आर नॉट मेकिंग दिस विच इज़ एक्चुअली द ट्रूथ दैट्स अराउंड. सो समथिंग दैट आई कुड कनेक्ट विथ मी एंड दैट्स वॉट आई दैट्स हाउ आई टुक इट अप एज अ चैलेंज. एंड इट्स बीन अ चैलेंजिंग जर्नी फॉर मी टू डू लाइक बोल्ड सीन्स लाइक दिस इन द फिल्म बिकॉज जो बैकग्राउंड से मैं आती हूँ लाइक फ्रॉम साउथ देर इज़ अ लिमिट्स टू ग्लैमर ओवर देयर. मैं ये नहीं बोल रही कि मैं ग्लैमरस रोल नहीं की. आई हैव नॉट डन ग्लैमरस रोल्स डाउन साउथ. इट्स जस्ट दैट देर इज अ लिमिटेशन टू दैट. बट यहाँ पे आई हैव गॉन ऑल आउट बिकॉज द स्टोरी नीड्स इट. द स्क्रिप्ट नीड्स इट नॉट जस्ट टू सेल माई स्किन और माई बॉडी. एंड राय लक्ष्मी जी आपने बताया कि ट्रेलर में जैसा कि हमने देखा कि हीरोइन बनने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है जितना भी आपने काम किया है साउथ में या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में. पर्सनल लाइफ में आप ऐसा फील करती हैं कि हीरोइन बनने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? सी, हर एक इंसान का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है. सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट. जो मेरे साथ हुआ है इन द इंडस्ट्री आई हैव बीन वन ऑफ दोज लकी वंस जहाँ मेरी एंट्री ईजी हुई है. बट आई डोंट वांट टू run away from this. I have faced situations when I was known, not when I was struggling. So it is important to actually share this message to people ki it's just not a glam world. Even actresses go through a lot of challenging situations. कभी आपको ऐसे मतलब फेस करना पड़ा या आपकी लाइफ में? फेस तो हर इंसान करता है, हर फील्ड में करता है. बट द थिंग इज हाउ यू टेक इट अप एंड हाउ यू हैंडल इट इज वॉट मैटर्स. लक्ष्मी, जैसे आपने कहा जैसे आपने कहा कि आपने इस किरदार से रिलेट किया और जिस तरह के ट्रेलर में हम लोगों ने डायलॉग देखे कि यहाँ पर तो सिर्फ बॉडी चलती है और जैसे आपने कहा कि आप मुझे स्टार बना देंगे, अब अभी तो आप मुझे स्टार नहीं सुपर स्टार बना देंगे. आप अग्री करती हैं कि यहाँ पर बॉडी चलती है और स्किन शो से स्टार बना जा सकता है? That's partly the truth. एंड इट्स द सैड ट्रूथ. बट उसके अलावा भी टैलेंट भी चलता है जो फिल्म में आप देख पाओ. इसमें नहीं देखे आप जो आप वॉट यू सी हियर इज ओनली द बॉडी. बट जब फिल्म देखोगे आप तो इट कम्स एज अ पैकेज. सो डेफिनेटली इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल. एंड ये जूली की कहानी, ये मेरी कहानी नहीं है. सो लेट्स नॉट कन्फ्यूज पीपल. आई एम जस्ट सेइंग अ लॉट ऑफ सिचुएशंस इन द फिल्म विच एवरी गर्ल कैन रिलेट. आप भी रिलेट करोगे उसके साथ. It's not about an actress. It's not about a story of an actress, but about a girl. Pehla ji, do aur sawal lenge hum log. Pehla ji, Deepak ji, straight yahan pe, if you can see me. A question common to both of you. Aaj ke tarikh mein ek actress bahut charchit hai, Kangana Ranaut. She was supposed to be launched by Pehla ji and Deepak ji in a film called I Love You Boss. She had done a very bold photo shoot also with you guys. What happened to that film? Why did it got shelved?
कि जो बीत गया उसे बीत जाने दो और जो नहीं बनाया उसको भूल जाइए. जो आज देख रहे हो आप उसी को देखो कि आज कंगना रनौत क्या कर रही है. थैंक यू सर. लेकिन लेकिन हुआ क्या था उस टाइम? आई मीन क्यों? आई डोंट वांट टू ओपन द बॉक्स एंड टेल यू एनीथिंग. जैसे एक अच्छी माहौल में अच्छी चीज निकल जाती है उसे भूल जाना ही बेहतरीन होती है. सर तो उस टाइम पे कुछ अच्छी चीज नहीं हुई थी जिसकी वजह से बॉक्स बंद हो गया था. अब जो बॉस रहा ही नहीं उस बॉस को क्यों बात करना. सही बात. दीपक जी व्हाट डू यू हैव टू से? व्हाई डिडंट द फिल्म हैपन विद कंगना? यू हर्ड व्हाट द प्रोड्यूसर सेड. सर आई वांट टू हियर व्हाट द डायरेक्टर इज सेइंग. यू हर्ड व्हाट द प्रोड्यूसर सेड. आई हैव टू रिस्पेक्ट अ प्रोड्यूसर. बट वुड यू लाइक टू मेक दैट फिल्म अगेन विद हर टुडे? गिवन एन अपॉर्चुनिटी इज अ स्क्रिप्ट ahead of its time even now. It will be made at some point of time, I'm sure. Right, one last question we'll take. Ji, acha teen ho gaye. Aaiye. Pehla ji, aapne ek baat kahi thi ki ye industry ki daastan bata rahi hai jis tarike se ek star ke sath hota hai. To ye gandagi bhi industry ke logon ki hi taraf se hoti hai. Iski safai ke liye aap kya suggestions honge aapke? Dekhiye, ye safai jo hai, jab tak aaye opener koi cheez nahi aaye. अब सफाई जो है हर इंसान अपने घर में करता है, लेकिन देश में अपने घर के बाहर कोई नहीं करता. और आज ये अभियान शुरू हुआ है तब लोगों को माइंड में आता है कि स्वच्छ भारत और स्वच्छ घर रखना चाहिए. और सबसे पहली बात जो है मैं सोचता हूँ, सब घर स्वच्छ हो या ना हो, पहले मन स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है. पहले मन को स्वच्छ करना हम सबकी जिम्मेदारी है. दीपक जी, दीपक और जहाँ मतलब ये फिल्म लगेगी तो जो इंडस्ट्री है उसको भी लगेगा कि नहीं, ऐसा नए टैलेंट के साथ नहीं होना चाहिए. फिल्म जो है मिरर ऑफ द सोसाइटी है. लोग कॉपी करते हैं, लोग सोचते हैं और लोग इसको अपनाते भी है. बिकॉज ऑफ दैट फैन फॉलोइंग होती है. इसलिए हम कहते हैं कि फिल्म में उतना ही अच्छा ही दिखाओ ताकि कोई बच्चा भी एडॉप्ट ना कर सके. जो एडल्ट का कंटेंट एडल्ट को दिखाओ, बच्चों का कंटेंट बच्चों को दिखाओ, तब जाके ये प्रॉब्लम शुरू होती है. लेकिन बिना देखे बिना जाने बिना पहचाने हम तुम पर मेहरबान हो जाएं और कह दें कि हर पिक्चर पास हो जाए नहीं चलेगा. पहला जी एंड दीपक जी, आप लोग अग्री करते हैं कि मतलब जैसे आपने खुद ही कहा कि यहाँ पर सिर्फ बॉडी चलती है. सॉरी, मतलब आप लोग इनसाइडर हैं इंडस्ट्री के और जैसा आपकी फिल्म में डायलॉग है कि यहाँ पर सिर्फ बॉडी चलती है, आप दोनों अग्री करते हैं यहाँ पर? पहला जी, आई डोंट अग्री. देखिए, जब तक कंटेंट नहीं होगा, बात सुनिए, जब तक कंटेंट नहीं होगा, बॉडी दिखा दें या शाहरुख खान दिखा दें या सलमान दिखा दें, विदाउट कंटेंट नोबडी जीरो. वन लास्ट क्वेश्चन मैम, थैंक यू. You seem to be more bolder than what Julie's appeared on screen with your transformation. So could you tell us about the sudden transformation from being what you were and from what you are right now? You've been transformed completely. You've been contradicting your statements all throughout this entire press conference. देखिए, आप बार-बार वही सवाल पूछते हैं. तरीका जो है बॉम्बे से दिल्ली तक जाने का एक ही रास्ता है. आप ग्वालियर से जाओ या इंदौर से जाओ, वही रास्ता आप बार बार पूछ रही हैं. सुपर, जोरदार तालियां. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन मैम. हाँ, आखिरी एंड जी, हो गया. वन लास्ट क्वेश्चन विल टेक. पला जी, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. हाय सर, आइए. हाँ, पूछ लीजिए आप. अच्छा, नो, आई नीड हिम टू लुक एट मी. सर, आप देख लीजिए उनको प्लीज. हाय पला जी. नहीं मतलब यहाँ यहाँ मैं खड़ी हूँ. अरे यहाँ, अरे मैं भी भाई. सर पहला जी, थैंक्स फॉर शेयरिंग द ट्रेलर ऑफ जूली 2 विद अस. इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू वॉच दिस. एज अ वुमन एंड एज अ फिल्म जर्नलिस्ट, आई फील दैट इट्स अ वेरी लेडी ओरिएंटेड फिल्म एंड टॉक्स अबाउट अ फैंटेसी वे ऑफ लाइफ. सो व्हाट वाज इट अबाउट द स्क्रिप्ट That excited you? देखिए, अब सारा कार्ड अब आपके सामने अभी खोल देंगे तो पिक्चर कौन देखेगा? मीडिया जो है ना सारी आजकल, जो मैंने आपने कहा, मुझे मालूम है आप किस लिए कह रही हैं और मैं वो भी जानता हूँ. बुर्का नहीं है यहाँ पे, इतनी बता दूँ मैं. यहाँ पे बुर्का नहीं है. जो आप पूछना चाह रही है, ये सारी स्क्रिप्ट जो है एक कम्प्लीटली स्टोरी है और जो रिलेट करेगी, हर इंसान अपने साथ रिलेट करेगा. और आई थिंक फिल्म जो है आपने देखा, ट्रेलर देखा, पिक्चर अभी दोस्त बाकी है. क्या बात है, थैंक यू सो मच. जोरदार तालियां हो जाए फॉर दिस एंटायर टीम. एंड आप लोगों के लिए इतना जोश दिखाया है, कमाल है. थैंक यू मोहतरमा. आखिरी सवाल था, वी नीड टू रैप अप. पूछने तो चलो, कोई नहीं. हाँ,
आप जो ना बार बार वही सवाल पूछ रहे, मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है, कहीं परहेज नहीं है, आपने देखा ना मुझे परहेज नहीं है कोई भी, आपने बोल्ड भी देख लिया, ब्यूटीफुल भी देख लिया, ब्लेस भी देख लिया, संस्कार भी देख लिया, संस्कार रयत भी देख ली, तो मुझे कोई परहेज नहीं है, इज अ ओनली रेटिंग इज अ प्रॉब्लम, रेटिंग लीजिए और अपनी फिल्म को दिखाइए, थैंक यू।